हमारा बिल्कुल राउंड वन खत्म होने में थोड़ी सी देर बाकी है और राउंड वन खत्म होने का मतलब यह है कि इस पे आपकी इवेल्युएशन कर ली जाएगी उसके बाद आप करेक्ट शायद कर सकते हो आपको टाइम मिले थोड़ा सा मगर मार्किंग आपकी हो जाएगी कि आपने बेस कैसी की है कॉन्टोर कैसा किया है कॉन्टोरिंग कॉन्टोरिंग आपका बेस ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म आप सब रुक जाएं अपने अपने उस पे बस छोड़ दीजिए बिल्कुल छोड़ दें आप कोई कुछ नहीं कर सकते छोड़ दें बिल्कुल यहां से करते हैं शुरू आए वाजिद आप आगे अच्छा देखें अगेन मैंने कल आप लोग को बताया था ठीक है गर्दन भी फर्क है और बेस भी फर्क है ठीक है और इनर साइड सी पूरा डार्क सर्कल आपका विजिबल हो रहा है ठीक है और आपकी जो कॉन्टूरिंग है वो भी पैच लग रहा है पूरा ठीक है see? कुछ अजीब सा लग रहा है जैसे आपने हाँ, पेंसिल फेर दी जैसे और ऊपर ऊपर लग रहा है ऊपर ऊपर ठीक है तो क्योंकि अब बेस का कलर ही सही नहीं है फेस पे अलग है गर्दन पे अलग है ओके अगेन बेस कम है फिर से आप लोगों की बेस कम है डार्क सर्कल विजिबल और ये जगह हाँ और उसके अलावा ब्लशर बहुत ऊपर चढ़ा दिया है यहाँ पे कर दिए हैं जब तुम कर रही थी मैं देख रही थी चुप करके वो गाना गा रहा था और तुम यहाँ से ब्लशर लगा रही थी और मैं तो चुप ही हो गई देख के सो क्या है अब नहीं कल मैंने क्या बताया था आपको ये कॉन्टोर करना और ये ठीक है तो ये था ही नहीं ठीक है ये तो था ही नहीं कलर बेस का अच्छा चूज किया है गुड सिलेक्शन बेस की बहुत अच्छी बट लगाया सही कम है कि डार्क सर्कल दिख रहे हैं हल्के हल्के ब्लशर बहुत ऊपर चढ़ा के लगा दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को हम पहले दिन से सब मेकअप आर्टिस्ट जितनी भी हैं यहाँ से हम पहले दिन से एक बात कर रहे हैं कि आप लोग डार्क सर्कल्स को कवर नहीं करते आप लोग क्यों नहीं करते हो अभी तक तीसरा दिन और आप लोग नहीं कर रहे हो इतना पीला आपने कर दिया है उनको और ये जो ब्लशर की जो लाइन आपने खींच दी जमी हुई गलत बिल्कुल गलत अब मैं क्या बोलूं कि नहीं बहुत अच्छा है क्या नहीं है सो बिल्कुल आपका यू नो आप लोग मैं आपको देखें मैंने गाना इसलिए लंबा किया कि गाता रहूं आप लोग टाइम दे दूं सही है लेकिन मैंने आपको ये भी साथ में बोला कि सोच के करें आपके सामने मैंने कल कितनी देर में बेस लगाई थी 5 मिनट से भी शायद कम में ठीक है क्योंकि हमें बेस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था वो हमें वाटर बेस नहीं मिल रहा था ठीक है सो क्या है अगर आप लोग सुने ही नहीं अगर सोच के नहीं करेंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगे मैं बार बार आप लोगों से ये बोल बोल के ना मुझे अजीब लगता है ठीक है मुझे सिर्फ ये बताएं कि उसके कलर टोन पे आपने ये बेस का कलर किस क्या सोच के चूज किया है मुझे सिर्फ आप ये बता दें चलें उनसे भी पूछ लेते हैं इसके कलर टोन पे आप इतनी सफेद बेस क्या सोच के लगाई आपने और अभी तो ये पीला लग रहा है ना और ये बाद में ग्रे हो जाएगा हाँ ग्रे हो जाएगा नहीं आपने कुछ सोचा होगा ना जैसे हर मेकअप आर्टिस्ट पहले सोचता है कि इसके ऊपर मैं अगर ये कलर अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपने क्या सोचा था ये लगाने से पहले क्या नंबर है नहीं इससे पहले आपने स्टिक भी तो लगाई हाँ जी हाँ, स्टिक कौन सी लगाई अच्छा 38 तो बहुत लाइट है इनके लिए बहुत ही चिट्टी है अच्छा चले सही आप आज किरण किरण मुझे बेहतर लग रही है किरण का बेहतर ये आसमान और नाक की कॉन्टोरिंग लेकिन किरण ने सही नहीं की आसमान नाम है आपका हाँ तो बेस अच्छी लगाई है लेकिन नहीं पैची है नताशा कैन यू सी दिस अच्छा मैंने इसलिए कहा कि एक तो बेस टोन का सिलेक्शन ठीक लग रहा है दूसरा ये कि उसने आंखों को एटलीस्ट कवर किया है नीचे लेकिन ये पैच है सारा ये देखिए ये सारा ड्राई पैच इधर उधर और ये सारा पैच है और ये थोड़ी देर में ये भी ग्रे हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़ी बेहतर लगती है इस लाइन में थोड़ी बेहतर ये बेहतर है ये काफी आप सब में थोड़ा बस आपने ब्लशर बहुत चढ़ा के लगा दिया ऊपर और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी है सारी जो आपने बेस का सिलेक्शन बहुत अच्छा किया है मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन जब आप मेकअप के कंपटीशन में आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा लगाएं ताकि देखने वाले को समझ में आए ठीक है हाँ जी आप लोग सब कर देते लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता होता उस पे और देखो तुम्हें इतनी अच्छी लाइट ये स्टूडियो की लाइट मिली हुई है इसके अंदर तो हर इंसान मेकअप के बगैर भी खूबसूरत लगने लगता है पीला लग रहा है और उतरा उतरा है सारा एरिया डार्क है तुम्हें यहाँ पे थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए मैंने याद तरीके से लगाई थी ऐसे करके ठीक और इस साइड के बारे में क्या ख्याल है लेकिन मोमिना आपके आपकी तारीफ की गई सो गुड लक वेरी नाइस बहुत अच्छा किया आपने और हाँ अच्छा है बट बेहतर 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 बहुत अच्छा जुबैदा का बीपी हाई है कल से जुबैदा को नींद भी नहीं आ रही जुबैदा आपने डार्क सर्कल नहीं डार्क सर्कल बिल्कुल नहीं छुपाती सोबिया आपने डार्क सर्कल बिल्कुल फिर से
मैंने कल आपको क्या बताया था, ये चीज पूरा, ये चीज दिख रहा है अपर लिप का सारा एरिया। हाथ यूं करें, अच्छी नहीं आपकी, हाथ यूं करें आप इस तरफ आ और कलर देखें आपने क्या। पहले दिन से हम आपको कह रहे हैं कि जो कलर टोन, जो स्किन का कलर है ओरिजिनल, उसके मुताबिक जाएं। आपको मैंने बताया था आप पहले ही हाथ से लगाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए आपने ये सारा कुछ भी नहीं कवर किया। हाँ। कुछ भी नहीं ठीक है। सलमा आप हाथ यूं करेंगे। ओके बेस की सिलेक्शन अच्छी है बट आपने जब ये हाइलाइटर करके पूरा बहुत ज्यादा कर दिया है। लेकिन क्या है कि ये ऑरेंज आपने अंदर बहुत ज्यादा डाला है तो ये थोड़ी देर में मुंह लाल लगने लगेगा। अभी वो प्यारा लग रहा है, थोड़ी देर में ये पूरा मुंह लाल लगने लगेगा। मुझे तो खैर ये ऑरेंज जो आपने इंडियन बेस की सिलेक्शन की है मुझे तो वही गलत लग रही है। आपको करनी नहीं चाहिए थी इसके ऊपर। आपने कौन सा नंबर लगाया है? 24। अच्छा 24 के साथ 27 अगर मिक्स कर लेते ना बीच का एक टेंट बन जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है तो ये बहुत ज्यादा अब ये ऑरेंज ऑरेंज लाल लगने लगेगा मुझे थोड़ी देर में और लाल हो जाएगा। सो सलमा और एनी के साथ ही हमारे जो कमेंट्स थे पहले राउंड के वो जजेस के कंप्लीट हुए और मेरा ख्याल है कि अब हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे जजेस जो है राउंड टू का टास्क जो है वो देंगे। अगेन जो एक जनरल टास्क आप लोगों के पास वो तो है ही, ये जो तस्वीरें आपके पीछे मौजूद हैं कि आपने ये लुक एक्वायर करनी है, हमें ये लुक चाहिए है जो इस लुक के नजदीक तरीन अपना मेकअप कर सकेगा उसका मेकअप बेहतरीन माना जाएगा। ठीक है सो एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हम आपको वेलकम कहेंगे ब्यूटिशियन नंबर वन। ब्यूटिशियन नंबर वन और ये मुकाबला है पाकिस्तान के में से हमने जो सिलेक्ट की हैं ब्यूटिशियंस जिसमें से सादकाबाद से आई हुई हैं, लाहौर के डिफरेंट इलाकों से आई हुई हैं, लाहौर के और मुख्तलिफ बाहर जो शहर है वहां से आई हुई हैं और वो सब यहाँ पे इस वक्त माजिद खान के सामने अपने स्किल्स का मुजाहरा कर रही हैं क्योंकि उन सबको ये लगन है कि वो बनना चाहती हैं ब्यूटिशियन नंबर वन और जीतना चाहती हैं वो सर्टिफिकेट जिस पे लिखा हो कि माजिद खान सर्टिफाई करते हैं कि आप ब्यूटिशियन नंबर वन हैं और ग्रैंड मनी जो कि 50,000 रुपया है अपने से कोई एक जीत कर जाने वाली है। मुकाबले के आखिरी रोज आज है तीसरा दिन, आपको टास्क दिया गया है मेहंदी की दुल्हन तैयार करने का और आपको दिया गया टास्क आपके पीछे तस्वीर की सूरत में मौजूद है उससे आपको मेकअप खरीदना है। ठीक है जो जो चीजें आपके पास कम है ना आपको अपना मेकअप पूरा करना है। ठीक है कुछ चीजें ऐसी खरीद के रखनी है जिसके बगैर आप जो लगाएं और आपका मेकअप लगे कि खूबसूरत हो गया है। ठीक है कुछ चीजें आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि लगाएं और आपके मेकअप में एक फिनिश आ जाए। ठीक है अच्छा तो क्या है हमारा जो सेकंड राउंड है राउंड टू जो है अब हम करेंगे आई मेकअप और लिपस्टिक। ओके ठीक है ठीक है राउंड टू में हम आई मेकअप करेंगे। यू कैन सी आप पहने का आपने नहीं करना है, रुक जाए अभी पहले मेरी बात सुन लें, पहले पूरी बात सुन लें फिर होगा। ठीक है गौर से आप लोग देख लें किस तरीके से हुआ है। अगर आपको लगता है सिर्फ लाइनर लगा हुआ है तो ये लाइनर नहीं है हल्की सी ब्लेंडिंग है। ठीक है मेरे हर मेकअप में ब्लेंडिंग है जो देख रहे हैं सारे मेरे मेकअप लगे हैं पीछे सो इसमें हल्की हल्की सी सब में ब्लेंडिंग है। ये पिंक वाले में मैं बता दूं पिंक वाले में कॉर्नर बने हुए ठीक है इस वाले में कॉर्नर बना हुआ है हल्का सा ये थोड़ी सी डार्क आईज है सर ये ग्रीन के साथ हुआ हुआ है हल्का सा ग्रीन के साथ डार्क आईज की है। ठीक है ये गोल्ड के साथ कॉर्नर बने हुए मैं आपको बता दूं दोबारा से ये गोल्ड के साथ हल्का सा कॉर्नर बना हुआ है और जो यहाँ पे सना जी के क्या हुआ है ये लंबा लाइनर लगा हुआ है और थोड़ा सा साइड से ब्लेंड है और नीचे भी इनके हमने लगाया हुआ है पिंक और ब्लैक को स्मर्च किया हुआ है। ठीक है और ये वाला जो एक सीधा लाइनर लंबा लगा के पूरी बड़ी आईलैश लगाई और नीचे भी इसके लगाया हुआ है हमने। ठीक है और वो लाइनर ऊपर ब्लेंड है जैसे आप ये जवेरिया का देख रही है तो पूरा इसमें कॉर्नर बना हुआ है गोल्ड के साथ कॉर्नर बना हुआ और नीचे इसके हमने पिंक और काली लाइन दी हुई है और इसमें हमने शिमर भी लगाया हुआ है। ठीक है अभी आपने गौर से सुनी है बातें आपको टिप मिल गई पूरे के पूरे के करना हाँ, क्या है आपने और आप लोगों ने बहुत सुकून से करना है आप लोग के पास बहुत टाइम है पूरा एक सेगमेंट है। ठीक है तो आपने सुकून से करना है और तहम्मुल से करना है सो आपका टाइम शुरू होता है अब। अब अच्छा और मुझे तो जवेरिया का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। जवेरिया कितनी महंगी है जवेरिया का पता है जब जवेरिया का इब्राहिम जवेरिया जब एक्सपेक्ट कर रही थी जब की है बात का अच्छा हाँ शादी का नहीं है जन्नत हो चुकी थी और तब का ये मैंने और ये तस्वीर भी मैंने खींची थी खुद ही हाँ खुद खींची थी 2-2.5 साल पहले की बात है जब ये जवेरिया का शूट उसने FB पे भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है बहुत वायरल अच्छा जरूरी है कि ये एग्जैक्ट शेड्स हैं हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पूरे का पूरा डिट्टो उसी तरह हाँ, से करें
हाँ, यही टास्क है कि सेम करना है, अपनी कोई क्रिएटिविटी इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वाजिद उस वक्त बात ही कर रही थी कि अगर पहले दिन से एक ही बात कही जा कहे हम लोग जा रहे हैं कि डार्क सर्कल्स कवर करें, डार्क सर्कल कवर करें, ये लोग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब लेकिन एक दो को पड़ा है। ओके, सबके पास मॉडल्स की आंखें ऑलमोस्ट सेम सेम हैं, ठीक है, तो क्या है कि इनको इतना मुश्किल नहीं होगा करना। तो और आपने इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि शेड कौन सा लगा है और लाइनर कैसे लगा है और हुआ क्या है उस पे, तो इसे मेरा ख्याल है कोई इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। प्रॉपर गोल्ड जो होता है, सॉलिड गोल्ड। हाँ, ये भी वही कलर है आपका, किसी से बोरो कोई बात नहीं, चले आप करें। अच्छा, इसके तो क्योंकि आईलेट पे शेड नजर ही नहीं आ रहा मुझे, डार्क आईज मैंने इसलिए बता दिया था। अच्छा, ग्रीन के साथ ये मैंने डार्क आईज की थी। कुछ इनमें सेलिब्रिटीज हैं और कुछ नॉन मीडिया फेसेस हैं, है ना? नहीं, एक सिर्फ नॉन मीडिया फेस है, बाकी ये भी एक मॉडल है मॉर्निंग शो में हमारे। हाँ, ये तो निदा तो बहुत अच्छी मॉडल है, ठीक है, कराची की बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मॉडल है। वो तुबा सिद्दीकी है, वो अबीर रिजवी है, जवेरिया है, सिद्रा बतूल है, ये समझ। अच्छा, रियल ब्राइड को बनाना ज्यादा मुश्किल होता है या फिर सेलिब्रिटीज को? क्योंकि रियल ब्राइड को तो आप कन्विंस कर सकते हैं, सेलिब्रिटी को आप नहीं कन्विंस कर सकते, ठीक है। बट उनके अपने लाइक डिसलाइक बड़ा स्ट्रॉन्ग होती है ये चीजें, बट जब आप शूट कर रहे होते हैं तो फिर सुनी लेती हैं, ठीक है। हाँ, तो हर तरफ बैलेंस ही होता है, ठीक है। अच्छा, जवेरिया ने इस तस्वीर में बिल्कुल वैसे ही लिप्स की उनकी शेप है जैसे आपकी होती है हर तस्वीर खींचते हुए, तो आपने उन्हें बताया था कि थोड़ा सा यू नो व्हाट, आप जब भी तस्वीरें खिंचाए ना तो आपके अगर लिप्स खुले आपके जो दांत दिखते ना ये आपकी ब्यूटी होती है, ठीक है। तो ये खूबसूरती की अलामत है, जो लोग बंद कर लेते हैं और जिनके बड़े दांत होते हैं जो छुपाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज, मैं तो कभी कभी दुल्हनें आती हैं और उनके उनको लगता है कि उनके दांत बड़े, तो मैं बोलता हूँ दांत तुम्हारे बड़े नहीं है, बहुत प्यारे दांत हैं, उनको खुला ही रखना, ठीक है, और मुंह बंद करके रखते तो वो ज्यादा बुरा लगता है, स्पेशली जब हंस रही होती है तो यूं करती है। हाँ, ये कि पता नहीं दांत बड़े लग रहे हैं और छुपा, आजकल तो फैशन आ गया, लोग बड़े दांत लगवा रहे हैं। हाँ, सारे जितने भी लोग हैं, मैं नाम गिनवाना शुरू करूं तो यहाँ पे कुछ लोगों का तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सो राउंड टू इन प्रोग्रेस। अरे वाजिद जी, कोई एक मेहंदी का और बड़ा जबरदस्त गाना होना चाहिए। खामोशी जो है ना, ये ब्यूटिशियंस को मेरा ख्याल है ज्यादा स्ट्रेस आउट करती है। लगा के रखना डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, होए हो हो हो, उड़ उड़ के तेरी जुल्फे करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कुमारे, सारी गुड़िया घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे, रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, दिल लगा के रखना डोली सजा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, हो हो। नहीं 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 नताशा, आप क्या बता रही हैं, हेल्प कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बता नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ मैंने उनकी एक छोटी सी गलती उनको बताई है जो अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, आप जितनी मर्जी वाजिद को मैंने देख लिया था, मैंने पहले देख लिया था। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने। हाँ, वाजिद नहीं, बिल्कुल भी। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ब्यूटिशियंस को, वो बड़ा एक दूसरे के साथ गप्पे मारते हुए काम कर रहे हैं, वेरी नाइस, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ से तो अभी बहुत खुश हो रही हूँ। अच्छा, आई मेकअप पे वाकई? हाँ, कुछ तीन चार अभी ऐसी हैं, कुछ लोग आपका दिल जीतने में कामयाब हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जरा इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल सही। दो मिनट रह गए हैं ये राउंड खत्म होने में, दो मिनट रह गए हैं, लिपस्टिक भी लगाना है, दो मिनट रह गए हैं भाई, जल्दी तो एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा वेलकम कहेंगे ब्यूटिशियन नंबर वन में।
कंपटीशन नंबर वन और हमारे जजेस ने बहुत सख्त, मैंने बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, लेकिन वाजिद कोई टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी यह बात, अभी भी ये बात करके आप टाइम दे रही हैं, जो आप पहले रोक दें। अच्छा, मैं एक्चुअली ये कोशिश कर रही थी। नहीं, आप रुक जाएं, हाथ रोक लें, खत्म हो गया, हाथ रोक लें, वो उनको मना करें, हाथ रोक लें। मैं एक्चुअली कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा टाइम, आपको पहले कहा गया था 2 मिनट है, फिर आपको ब्रेक में भी टाइम दे दिया गया था, तो 2 मिनट से ज्यादा हो गया, तो अब प्लीज छोड़ दें, बस छोड़ दें, जहाँ छोड़ दो मोमिना अपने नंबर कटवाओगी, छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं छुएगा कोई आप, ठीक है, चले हो गया, नीचे आके बंद आंखों, हो गया। पहले तो क्या है कि चले, आपने पिंक शेडो उठाया, बहुत अच्छा था, बट लाइनर बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, देयर इज नो ब्लेंडिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लाइनर बहुत टेढ़ा मेढ़ा है सारा, और यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं है, थी? हर कलर अलग नजर आ रहा है, और ये तो लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने ऐसे हाथ लगा के छोड़ दिए सॉकेट जो आपने बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, और लिपस्टिक भी पूरा नहीं किया हुआ आपका, ये देखो आंख बंद करो। अच्छा, पता है क्या होता है, अगर लाइनर के गलत स्ट्रोक लग जाए तो आंखें भेंगी लगने लगती हैं। अच्छा, आप खुद देखिए, बंद करो, ये आपको ठीक लग रहा है जो आपने ब्लैक शेड देने की कोशिश, नहीं है ना, स्वाबिता गुड लक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और यहाँ मोमिना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन अगर लैश लगाने के बाद आप यूं उठा दें तो आंख पूरी खुली भी लगती है, देखनी, चलो कोई बात नहीं, कर लेना, खैर है, गुड। यार ये कोई चक्कर है, ये आमना जिसके हिस्से में भी आती है उसकी तारीफ होना शुरू हो जाती है। हाँ, वैसे ये लकी भी है, हालांकि इसकी आंख कोई बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कल भी अच्छा था, लेकिन आज मोमिना ने बहुत अच्छा किया, मोमिना गुड लक। और किरण पे क्या गुजरे, किरण तो सब कुछ जैसे उड़ा दिया है, लैशेस, आंख टेढ़ा मेढ़ा, कलर का अननोन, लाइनर नहीं लगाया, लिप कलर बिल्कुल ऐसे रहे, आईब्रोज देखें, आपने भरी नहीं, ये खाली एक बना है। दिया, एक नहीं बनाया, मतलब मोमिना बहुत टाइम था, ये खाली ये क्या नाम है आपका, किरण, बहुत टाइम था आपके पास, आप कुछ नहीं कर सकी, बिल्कुल नहीं टाइम नहीं था, तो आप आई मेकअप को कंप्लीट कर देती, लिपस्टिक चाहे छोड़ देती है एंड पे, आपको पता है आखिर में टाइम मिलता है, आई मेकअप आपको करने के लिए कंप्लीट करना चाहिए था। अच्छा, कलर बहुत प्यारा आपने लगाया है, ठीक है, बट जो सॉकेट लाइन भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की है, बट दोनों फर्क है, बैलेंस होना जरूरी है। अब ये खुद देखें आपके सामने, एक आंख आपकी लंबी है, आमना ने, उसने, अस्मा ने जो लिप कलर है वो बड़ा अच्छा लगाया, नहीं नहीं वो सही है, लेकिन मैं, हम तो पूरा देखेंगे ना, लिप कलर के ऊपर अगर जिताना हो तो सब लिप कलर के बैठ, आई मेकअप मेन चीज होती है, तो उसको अभी हम फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, वो उसने अच्छा लगाया है, ओके, उसके उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप अच्छा बोला, आप तो हर किसी को कवर कर, सबकी वकालत करती है, सबकी वकालत। जुबैदा, अच्छा जुबैदा, पहले तो जैसे आपने शिमरी आई शेडो पूरा लिड तक लगा दिया है, जो डेप्थ होती है आपको मिली हुई है यहाँ पे, ठीक है, मिली हुई है, और आपने जो नीचे ऊपर आंखों ने, ये जो आपने आंख बंद कर दी है ना, इसे उसको हल्का सा सिर्फ लगा के उसको ब्लेंड करना था, ठीक है, चले, लाइनर की एप्लीकेशन अच्छी है, लेकिन मुझे एक लाइनर लंबा है और एक छोटा, लेकिन मुझे जुबैदा की कोशिश अच्छी लगी, सही है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा, देखिए पता है क्या, नहीं आंख बहुत ज्यादा, आपने जब पूरा ऊपर तक गोल्ड लिए आते हैं ना, तो आंख आपकी दबी भी लगती है, वो मुझे समझ में आ गया, वो आपको 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 भी समझ आ जाना चाहिए कल के लिए, परसों के लिए। अब देखिए इस तस्वीर में वाजिया क्लियर है कि सिर्फ आंख बंद करो, इतने हिस्से पे गोल्ड उसने दिया हुआ है, यहाँ पे उसने पीच दिया हुआ है, और ऊपर जो भी उसने उसको ब्लेंड करने के लिए किया है, लेकिन आपने सारा फैला दिया, लेकिन लाइनर की कोशिश मुझे अच्छा लगा, लाइनर अच्छा लगा है, बट एक छोटा और एक बड़ा है। और अब सोबिया, नीचे देखिए, बिल्कुल हाँ, बोल दो जो बोलना चाह रहे हो, ये बेकार बोलना चाह रहा है, जीरो, क्योंकि लैशेस सही नहीं लगाई हुई, लैशेस सही नहीं लगाई हुई, लिपस्टिक सही नहीं लगाया हुआ, आईब्रो नहीं आपने सही बनाया हुआ, ऐसा क्यों, कहीं से मैच ही नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं जा रहा है इनके साथ, क्या आपने क्या सोच के लगाया था, आप ये देख,
कितना क्लियर लगा हुआ है, आप देखिए इसको कितना साफ आपके सामने, इसमें कोई वो नहीं है कुछ ढका छुपा हुआ कि अंदर से कुछ हुआ हुआ। और मैंने इतना गाढ़े अल्फाज में बताया था कि गोल्डन शेड लगा हुआ है, लाइनर लगा हुआ, ब्लेंड हुआ हुआ है, लैश लगा हुआ है, नीचे हल्का सा पिंक शेडो लगाया हुआ है, ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब, ये खामोशी में ना जवाब नहीं, आई नीड आंसर। आप जवाब देंगी क्या, आपको लगता है अच्छा आपने बेहतर किया या इससे बेहतर आप कर सकती थी, कितना टाइम चाहिए था आपको बेहतर करने के लिए? अच्छा पर आज मैं एक और बात कहना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए आप सिर्फ दो दिन बाकी रह गए हैं एक विनर को जीतने में और एलिमिनेशंस होनी है। मैं एक बात आज सबको कहना चाह रही हूँ, ब्रेक में भी प्लीज कैमरे अपने ऑन रखें, कोई अपना मेकअप नहीं छेड़ेगा। जो आप लोगों ने आई मेकअप बेस कर लिया वो कर लिया, फाइनल लुक हमें वो वाली नहीं बनी हुई चाहिए कि आप लोगों ने सब कुछ सेट कर लिया हमारी बातें सुन के। अब वो दो दिन आपको दे दिया मार्जिन, अब आप लोगों ने जो जो जितना जितना मेकअप किया ऐसे ऐसे ही रहेगा। अब अगले राउंड में जो आपको कहा जाएगा आप लोग वो करेंगे। ये थोड़ी होगा कि आपको जैसे ही हम टाइम देंगे कि 20 मिनट हम आपको बालों में दे रहे हैं, उसके 10 मिनट में आप पूरा अपना मेकअप हमारे कहने पे ठीक कर रही हैं, उसके बाद आप बाल बना रही हैं, तो ये नहीं होगा। जो करेगा वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। जो मेकअप करते हुए ठीक करते हुए पकड़ा जाएगा, मुझे बताना है यहाँ पे हमारे जितने डीओपीज खड़े हुए हैं, जिसने मेकअप करने की कोशिश की दोबारा अपना आई मेकअप छेड़ने की या बेस, मुझे फौरन बताएं वो वहीं पे एलिमिनेट होगा। बिल्कुल सही जी। सलमा, सलमा का मेकअप, हर चीज आपने जमा दी है जैसे कि जम गया है, ठीक है, देयर इज नो ब्लेंडिंग, लिप कलर भी नहीं बनी हुई, लिप कलर आपने अच्छा लगाया बट शेप नहीं सही दिया, थोड़ा टाइम, कितना टाइम सलमा, 10 साल हो गए काम करते हुए, कितने साल हो गए, 10 साल। आईब्रोज पे तो शेड, आपको पता है 10 साल के मतलब क्या होते हैं? 10 साल मुझे लगता है कि मुझे 19 इयर्स हो गए, मुझे लगता है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी है, ठीक है, 10 साल हो गए आपको काम करते हुए। देखिए एक चीज कितनी क्लियर है वाजिद के इस मेकअप में कि उसने हल्का सा आई थिंक नीचे पिंक पिंक शेड दिया है और एक हल्की सी लाइन, बारीक सी लाइन खींची है बस, ऊपर देखो यूं जैसे जवेरिया देख रही है, हाँ उस तरफ ऊपर देखो, आपने देखे नीचे एक बकायदा ब्राउन शेड देके यहाँ पे भी जमा कर दिया है शेड, इधर भी जमा कर दिया है। So refer to the pictures. इस टाइम सबसे बेहतर मेकअप मुझे मोमिना का लग रहा है, बाकी मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ शदीद। मोमिना एक्सपेक्ट कर रही थी कि तारीफ होगी सेकंड राउंड में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कंधों लेके तो कंफ्यूज, लेकिन अभी कुछ राउंड्स बाकी हैं, अभी जाहिर है अभी बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन अब अपना किया हुआ मेकअप कोई ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक। तो क्या अब हम थर्ड राउंड की तरफ चलें? थर्ड राउंड की तरफ जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे, जिसमें आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, और ज्वेलरी पहनानी है, हेयर स्टाइलिंग एंड ज्वेलरी पहनानी, और उसके लिए वक्त कितना देंगे आप? आपका जो एक ब्रेक का टाइम होता है पूरा हमारा, बिल्कुल सही, सो यू हैव 10 मिनट्स जिसमें आपने बाल बनाने हैं और आपने इनकी ज्वेलरी सेट करनी है। और ज्वेलरी सबकी एक जैसी है? ज्वेलरी सबकी एक जैसी है, इसमें आपने जाकर ज्वेलरी भी सिलेक्ट करनी है और ज्वेलरी भी लेकर आनी है अपनी ब्राइड के लिए, उस हिसाब से जो कि आप तस्वीर के हिसाब से आपको लगता है सूटेबल है, अगर वो चीज ना मिले तो आप उसे दूसरी चीज से रिप्लेस कर सकती है। बाल, अच्छा मेन चीज है बाल आपको सेम बनाने हैं, ज्वेलरी चाहे कुछ भी लगा दें, टीका लगाएं कुछ भी लगाएं, बाल आपके लिए सेम बनाएं जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और दुपट्टा जैसे सेट हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ ये इसके लिए कहना चाह रही हूँ कि इसकी लिपस्टिक आप कंप्लीट कर सकती हैं बस, और किसी चीज को नहीं छेड़ना आपने। बिल्कुल सही। तो हम ब्रेक ले लें यहाँ पे, और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात ब्यूटिशियन नंबर वन। तो राउंड थ्री, और राउंड थ्री का टास्क जो है वो है बाल बनाना और ज्वेलरी लगाना। बिल्कुल। तो पहले आप लोग अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट कर लें ताकि उसके बाद आप बाल बनाने जो है वो शुरू कर सकें। बिल्कुल जी। अच्छा आप अपना ये काम छोड़ के प्लीज मेकअप वाला वहाँ पे निकाल दे, राउंड के लिए चली जाएं। आप भी ज्वेलरी निकाल दो, आप ब्रेक में लिपस्टिक लगा लीजिएगा, छोड़ दें ज्वेलरी लेके आए, अपना ये राउंड खराब ना करें, पिछले राउंड वाली चीजें अपने ठीक करते करते आप ये टाइम गवा देंगी, फिर कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं था और हम लोग बाल अपने पूरे नहीं कर सके। सो ज्वेलरी आपने जितनी आप समझते हैं जरूरत है, जो जो चीजें आप पहनाना चाहें अकॉर्डिंग टू द पिक्चर एंड टास्क गिवन टू यू, वो आप पिक करके चूज करके तो ला सकते हैं एक ही दफा और पहना सकते हैं। अगर उससे मिलती जुलती चीजें नहीं है तो कोई भी आप दूसरी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं उसे। अभी मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ पता है, क्या कर रही हैं? बड़ा पता है, नहीं सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, और इसी बात से मैं भी बहुत इरिटेट हो रही हूं। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इस शो को यहीं पर ही खत्म कर दूं। फिर क्या बनेगा इन सब का,
ये तो ब्यूटिशियन नंबर वन बनने के लिए घर से आई है वाजे। कैसे होगा मुझे बताएं। कोई बात नहीं, आप टीका लगाइए। क्या? हाँ, फूल निकाल दें, टीका लगाएं। ये निकल रहा है ना? कोई बात नहीं, ये नहीं, ये बस सिर्फ टीका लगाएं। चलें, राउंड थ्री शुरू हो चुका है। टाइम टाइम इज टाइम शुरू हो गया आप लोगों का। आप लोग करें, आप लोगों ने अपने वक्त का ख्याल करना है और उस टाइम में पूरा करना है। अच्छा, बाल एग्जैक्ट बनाने जरूरी है वाजिद? जो तस्वीर में सिमिलर हो, सिमिलर हो, ऑफ कोर्स सिमिलर हो। अपने टास्क तो ऐसे ही होते हैं ना, अदरवाइज फिर अपनी मर्जी से कर ले। हाँ, मिलते जुलते तो होने चाहिए, एटलीस्ट फ्रंट तो मिलना चाहिए। हाँ ठीक है। सो एग्जैक्ट जो है बाल जो तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं जी, उसी तरह के बाल और उसी तरह का एक इमेज, उसी तरह का लुक जो है जो एक्वायर करेगा, जो नजदीक तरीन उसके होगा, वो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर हासिल कर सकेगा। अच्छा, आपका मेहंदी का फेवरेट गाना कौन सा है नताशा? मेहंदी का फेवरेट गाना कोई एक तो नहीं, बहुत सारे हैं। थोड़ा सा आप गुनगुना दें। मुझे तो थोड़ा सा तो गुनगुना, नताशा के लिए बहुत सारी तालियां। ये लीजिए माइक। मुंडिया दुपट्टा छड़ तेरा शरबता कुल लाईदा है विनेज निकतान लाईदा। मुंडिया दुपट्टा छड़ तेरा शरबता कुल लाईदा है विनेज निकतान लाईदा। होवांगी बदनाम सजना, सुन रे दुपट्टा छड मेरा शर्मा दा कुंड लाईदा है बेहंज नहीं चलाना चाहिदा। आई वे जंज तेरी आई बजेगी शहनाई आएगी ओ भी रात सजना। जोड़ा मैं हाथ पई जोड़ा मैं तेनु पई मोड़ा ना मिले सरे आम सजना। सुन वे सुन वे सुन वे सजन पई माता रोला नहीं यू पहना चाहिदा है वे जज नाल आना लाइदा। रास्ता आ गई है चांदनी। अच्छा, पूरा नहीं आता, वो दो लाइनें आती है। ठीक है, दो लाइनें ही सही तरफ चलेंगे हम। तो हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। ब्यूटिशियन नंबर वन और वाजिद जज कर रहे हैं इस वक्त अपनी तमाम मेहंदी की ब्राइड्स को, क्योंकि आज ब्यूटिशियन नंबर वन का डे थर्ड मेहंदी ब्राइड्स का कंपटीशन है। सारी ब्यूटिशियंस जो हैं वो मेहंदी ब्राइड बना रही हैं, जो कि वाजिद के तैयार किए हुए मेकअप्स हैं जो टास्क के तौर पे सबको दिए गए। और अब मरहला है कि हमारे जजेस ये इवैल्यूएट करें कि किसने क्या गलतियां की हैं और उसके बाद हम अपने फाइनल राउंड की तरफ चलें। जी चले जी, यहाँ आ जाते हैं पहले। तो सबसे पहले तो मैं गलती ये पकड़ लूं कि ये है तो मतलब मेकअप हेयर स्टाइलिंग सारा कुछ वाजिद का है, लेकिन वाजिद ने पूरे बाल ये नहीं किए हुए, उसने यहाँ से बाल निकाल के उनको हल्का सा थोड़े से रिंगलेट्स यहाँ से रिंगलेट्स दिए हुए हैं। आपने सारे पीछे कर दिए, इस तरीके से लूज है, देखने में लग रहा है कि उसके बाल खुले हुए और सिर्फ यहाँ इस जगह पे वैक्यूमिंग हुई हुई और यहाँ पे हाइट है कि दुपट्टा बैलेंस हो जाए।
और ये हल्के हल्के से ना रिंगलेट इस तरीके से छूटेंगे। तो माजरत के साथ आपने अपना ही हेयर स्टाइल बना दिया है, ये वो हेयर स्टाइल है ही नहीं। मैं तो इस हेयर स्टाइल के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती। आपने अपना हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है जो कहीं से मैच नहीं हो रहा। थोड़ा सा ना थोड़ा सा हम आप मैंने अगेन मैं कितनी दफा बताऊंगा कि थोड़ा सा देख लेते हैं चीजों को, थोड़ा सा देख के करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं, थोड़ा सा देख के करते हैं। ये चीज बहुत प्यारी बनाई और ये शायद ये साइड पे है, लेकिन ये जो आपने पूरा ऊपर कर दिया है, अगर यहाँ से आप थोड़ा सा लूज कर देते हैं तो आप काफी हद तक नहीं, वो तो चल ठीक है। पीछे हाइट नहीं दिया आपने और पूरा आपने ऊपर की तरफ कर दिया है। और वाजिद दूसरी बात ये है कि ठीक है, अगर इन्होंने ये भी बनाने की कोशिश की है सिर्फ, तो ये बैठा हुआ है, ये ऊपर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो कुछ भी बैलेंस नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मतलब आपने तो कहीं से मैच करने की कोशिश तक भी नहीं की कि मैं कोशिश ही कर लूं। देख लें तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूं तो आप अभी मुझे लाइव बोल दें कि आप गलत बोल रही हैं, क्योंकि देखने वालों को भी कैमरे में नजर आ रहा है तस्वीर में क्या स्टाइल बना हुआ है और आपने क्या बनाया है। ये भी कुछ बाल बाजिद ने निकाल दिए, ये नहीं निकले हुए थे, मैं वही चाहूंगी। तो दिखा दें, आप क्लोज दिखा दें कि इनका क्या है और वो तस्वीर में बाजिद ने जो किया है वो क्या है। ये फ्रंट है अपना, बिल्कुल डिफरेंट है। आपने अपनी क्रिएशन अपने उसके चक्कर में, सॉरी। सो मोमिना, गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाइट जरूर देते हैं दुपट्टा लगाने के लिए, सही है। और ये जैसे पीछे बिल्कुल अगर चपट्टे बाल बनेंगे ना, जिसको कहते हैं बिल्कुल जैसे बुलडोजर चला दिया, अगर ये थोड़ा सा ये लूज है, सही है, ये हाँ, थोड़े से बिल्कुल कस दिया, लूज होते हैं ये थोड़े से हमेशा पीछे, पर हल्की सी हाइट जरूरी है कि एक फेस का फ्रेम बनता है। As you can see, इनकी चीक बोन उठे हुए, अगर यहाँ से बाल उठा देंगी तो फेस पूरा बैलेंस हो जाएगा। ये बाहर निकला हुआ लग रहा है और ये दबा हुआ लग रहा है, तो जिसकी वजह से ये अजीब गोले लग रहे हैं, ठीक है? ये बहुत आपका पता है, हम लोग सीखते नहीं है हेयर स्टाइल, मेकअप शायद लड़कियां अपना खुद भी कर लेती, शायद आप अपना मेकअप ज्यादा प्यारा कर सकती होंगी खुद से, लेकिन बाल अपने हर कोई नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे अंदर सीखने का टेम्परमेंट ही नहीं है, बाल सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है? थोड़ा सा सोच के बनाते, थोड़ी सी हाइट यहाँ पे दे देती और 10-15 मिनट बहुत होते हैं बालों के लिए, ठीक है? आपने तो बिल्कुल ही, मैं गाना गाते गाते जो चौंका था ना, वो आप पे चौंका था, आपने क्या पूरा स्टाइल झूमर नहीं झूमर लगा दिया साइड की पट्टी, इसकी साइड वाली पट्टी नहीं, साइड की पट्टी नहीं लगाती, आप पीका लगा देती। आपको हमने सेम हेयर स्टाइल बनाने के लिए कहा था, आपने क्या किया है ये? मैंने क्या कहा था कि हेयर स्टाइल सेम हो, चल माथा पट्टी हो नहीं ना हो, और बहुत सिंपल था, सेंटर पार्टी पूरे ऐसे बस बाल, ये मुश्किल है, वो बहुत इजी है। तो क्यों नहीं बनाया वो आपने? वो मैंने कहा आपको पता है आप एलिमिनेट हो सकती है इस राउंड में जी। आप घर जा सकती है, आप रेडी है घर जाने के लिए? मैं सबको सेव करके अभी आपको बोल दूं कि आप जा सकती है। मैं आप लोग सुनते नहीं है आप लोग। मैंने क्या कहा था कि जो हेयर स्टाइल बनाया है आप हेयर स्टाइल प्लीज सिमिलर बनाए, सिमिलर बनाए, उस जैसा बनाए, ठीक है? जिनको अभी हम वो क्या है, क्या है, चले उन्होंने कोशिश की ऊपर बाल सारे कर दिए, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया, अपना ही कुछ और ही डायरेक्शन में चली गई। अच्छा, मेकअप का तो खैर हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन, अब तो खैर करने की जरूरत नहीं है, बहुत गुड लक। और पता है कि क्या होता है, मैंने बार बार आईब्रो आपका जैसे जैसे किसी ने बस डस्ट लगा दिया है। आप देखिए, कल आपको याद होना चाहिए, अगर आप बहुत गौर से हमारी बातें सुनती हैं तो मैंने कल ये मॉडल जिस मेकअप आर्टिस्ट के पास थी, मैंने एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि इसकी यहाँ पे चोट का निशान है, इसको भरना होता है। इसका मतलब है आपने मेरी बात ही नहीं कल सुनी, आपने भरना पसंद ही नहीं किया उसको। मतलब ये है कि आप लोग हमारी बातें नहीं सुनते, आप लोगों ने अपनी ही मर्जियां करनी है तो आप लोग करते रहे। और अब जुबैदा, आपने अच्छा बनाया जुबैदा, जुबैदा का हाई बीपी काम ले आया, रंग ले आया, नहीं अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, सॉफ्ट है और अच्छा है। और यहाँ पे सोबिया, सोबिया आपने भी बहुत अच्छे बाल बनाए, ठीक है, बहुत अच्छे आपने बाल बनाए, बहुत अच्छी कोशिश है। बट क्या होता है कि जब भी आप बैककॉम्बिंग करते हैं तो पूरे बालों पे करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा करती है ना, तो फेस यहाँ से, जब सर यहाँ से बड़ा लगता है तो फेस छोटा लगता है, दुपट्टे की सेटिंग अच्छी में बैठती है, ठीक है? तो जब भी बनाए यहाँ से भी बालों को फुलाए ताकि बाल खूबसूरत लेकिन नीट बनाए, प्यारे लगे, लेकिन कोशिश अच्छी, हाँ कोशिश अच्छी है, ये सेल बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, आपने सलमा, सलमा ने भी सलमा ने ऑल बैक है, हाँ सलमा अच्छा ने किया, अच्छा किया, वेरी नाइस। और सलमा का मुझे दुपट्टा
सेट करने का स्टाइल बहुत अच्छा। सलमा अगर सलमा नहीं करती तो सलमा एलिमिनेट हो जाती, क्योंकि 10 साल से सलमा काम कर रही है। अच्छा सलमा ने बहुत क्रिएटिवली जो झूमर था उसको टीका बना के यूज किया, ये भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा, ग्रेट गुड, मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा। तो अभी तक अगर देखा जाए तो मोमिना और सलमा के लिए तालियां स्पेशली बजाई गई हैं, बजाई गई हैं वॉर्म रहने के बाद। मोमिना तो काफी हद तक उस लुक अचीव किया है मोमिना ने, मतलब तुम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अभी तक बहुत अच्छा कर रही हो। अब इस तारीफ को वो मत कर लेना, और बेहतर करूंगी। अच्छा इससे पहले कि हम एलिमिनेशन राउंड की तरफ चलें, मैं जजेस से एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आप सब लोगों के बिहाफ पे, और वो रिक्वेस्ट ये है कि इनको थोड़ा सा टाइम दे दें कि कोई टचअप्स ऐसे हैं जो इनको लग रहा है कि मिसिंग है तो ये वो कर लें, 2 मिनट दे दें सिर्फ, और उसके बाद आप एलिमिनेशन। दो मिनट में क्या कर लेंगे आप, मुझे मैं ये जानना चाहूं आप 2 मिनट में क्या कर सकती हैं। मैं तो बिल्कुल इस चीज की परमिशन नहीं दूंगी, अगर वाजिद देता है तो आप 2 मिनट में क्या कर सकती हैं। मेबी वो लिपस्टिक बेहतर कर लेंगी, आईब्रोज नहीं, लिपस्टिक के तो मेरे ख्याल में किसी के इशू ही नहीं थे, सब पूरे कर चुकी हुई थी, ठीक है, आंखों के इशूज थे, और वो उस 2 मिनट में क्या कर लेंगे। मैं चलें सही, मैं नताशा मेरे चलो तुम माय बिहाफ तुम कर, 2 मिनट के मतलब 2 मिनट जब तक ये काम कर रही हैं। मेरी ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो मुसलसल कुछ पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शहनाज। शहनाज किसके साथ आई है? इसीलिए जब आसमा को डांट पड़ रही थी तो इनके ना होंठ ज्यादा तेजी से हिल रहे थे। तो क्या पढ़नी थी आप आसमा के लिए? कोई एक दुआ हमारे लाइफ भी कर रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, मैं रोजाना देखती हूँ आपको और मैं रोज दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबकी मदद कर रही हूँ। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा आप आसमा की वालदा आंटी हैं? अच्छा वेरी गुड, और कौन किसके साथ आया हुआ है? और भी कुछ लोग मुझे लग रहा था दुआएं कर रहे हैं, आप भी कर रही थी? सलमा के साथ आई मेल, लेकिन आप उतने जोर शोर से दुआएं नहीं कर रही थी, आप उतने जोर शोर से दुआएं नहीं कर रही थी जितनी जोर शोर से आंटी कर रही थी। नहीं वो आज वो काम अच्छा कर रही है, आज खुश हूँ मैं। हाँ जी बात में खुश। आपको लग रहा है कि वो एलिमिनेशन राउंड से बच जाएंगी? हाँ जी आज बच जाएंगी। आज बच जाएंगी, वाह देखते हैं इनका दावा किस हद तक सच्चा होता है। और आप लोग किसके साथ आए आंटी? बाकी सब लोग? अच्छा बाकी सब लोग जो है ब्यूटिशियंस के साथ ही हमारी ऑडियंस में है, ग्रेट। कितना टाइम रह गया? हम काउंटडाउन शुरू करें? नहीं नहीं। अच्छा अभी 1 मिनट बाकी है, और उस 1 मिनट में आप अपनी आपको बचा सकती हैं एलिमिनेशन से। ये वो फाइनल मेरी तरफ से। ये मोमिना को पता है कि उन्होंने सही किया है, वो तो वो रुकी हुई है। अच्छा। 2 मिनट के चक्कर में कितने लोगों ने खराब कर दिया। अच्छा टाइम अप, तो काउंटडाउन शुरू करेंगे हम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop। चलिए जरा मैं देख लेती हूँ कि कौन सा यहाँ पे चले जी ऐसा हंगामा हो गया है कि अचानक से शक्लें बदल गई हैं सबकी। लेकिन उससे पहले जादुई चिराग यूं करके घुमाया है सबने, और मैं बहरहाल इस हक में नहीं थी। नहीं मुझे नाराज करके आपने अगर ये करवाया है देखिए आप लोगों से किया। नहीं, मैंने तो इजाजत दी नहीं थी आपको। देखिए मैं तो यहाँ चुप करके बैठ गई थी कि चलें ठीक है आप लोगों ने। चलिए अब मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। तो आप फिर भी वही करती रहती है, चलाती रहती है टाइम खत्म होने के बावजूद। नंबर 8 आप आगे आ जाए। ठीक है नंबर 6 आप आगे आ जाएं, नंबर 5 आगे आ जाएं, नंबर 3 आगे आ जाएं, ठीक है। तो आपको पता आपने कितना अच्छा काम किया, और आप जो नहीं सुनती हैं उसकी वजह से आप एलिमिनेट हो सकती हैं। आपको जब कहा जाता है हाथ रोक लें आप फिर भी हम बातों में लगते हैं तो आप ब्रश पकड़ लेती हैं। This is very unfair. बाकियों के साथ ज्यादती हो रही होती है। आप लोग अपने पीछे लाइन में चले जाएं। मैंने एक बात कैटेगोरिकली बोली थी कि जो मेकअप को दोबारा छेड़ेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, आज कहा था ना मैंने। जी बिल्कुल, और जैसे सर वाजिद ने कहा था एक एक स्टेप बैक हो जाएं, जिन लोगों के नंबर अभी पुकारे गए थे वो नंबर 8, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 8 भी पीछे चले जाएं। नंबर 1 भी, क्योंकि नंबर 1 ने भी कोई मुझे इतना ज्यादा वो नहीं किया। मॉडल्स भी अपनी साथ ले जाएं, नंबर मॉडल्स जो है वो भी साथ चली जाएंगी पीछे, ठीक है।
जी अब जो आगे आएंगे ठीक है ये क्या ये नंबर सेवन और नंबर टू नंबर सेवन और नंबर टू आप आगे आ जाएं आगे आ जाएं नंबर सिक्स आगे आ जाएं आप लोग सेफ हैं आप लोग सेफ हैं ठीक है आप लोग पीछे अब आप लोग पीछे पीछे हो जाएं वापस टेबल्स की तरफ चले जाएं नंबर पांच आगे आ जाएं नंबर एक आगे आ जाएं और नंबर तीन आप भी आगे आ जाएं आप लोग कुछ कहना चाहेंगे मॉडल कंफर्टेबल नहीं थी थोड़ा तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको सेट कर रही थी उसका दुपट्टा भी फट गया पीछे से ना पिन की वजह से इसलिए मैं उसको पिन दोबारा लगा नहीं तो आप ब्रशेज जो चला रही थी वो उसकी आई में आई लैश का एक पंख चला गया हुआ था ना आई लैश नीचे आके ना अंक में पानी आ रहा था तो वो मैंने काटने की कोशिश की इस पंच से साफ कर दिया मॉडल क्यों कंफर्टेबल नहीं थी दुपट्टा फट गया पीछे से ना और फट गया आपको पता है कि आपकी इनपुट की वजह से आपकी ब्यूटीशियन जो है वो एलिमिनेट हो सकती है नहीं हम तो किसी और बात पे हाँ। कह रहे हैं कि आपको मना किया गया था कि आप दोबारा मेकअप टच नहीं करेंगी और आप लगी हुई थी आईलैश का एक पंख लंबा था वो आंख में जा रहा था तो वो कह रही थी कि मुझे इरिटेट कर रहा कटिंग कर दे मैंने कैंची से कटिंग करके पफ कर दिया मैंने ये किया मैंने मेकअप को बिल्कुल टच नहीं किया आप कुछ कहना चाहेंगी हाँ जी है थोड़ा डिफरेंट ना थोड़ा डिफरेंट है आईज मेकअप में काफी आपको क्या लगता है मुझे सर मेरा हेयर स्टाइल मिला और आईलैशेस मैंने कवर कर लिए लाइनर भी और आपका लाइनर आपको बेहतर लगता है कि आपका लाइनर बेहतर नहीं उतना मेकअप बेहतर किया है उस तस्वीर को देखते हुए लगता है आपको आप कुछ कहना चाहेंगे नंबर वन मुझे थोड़ा टाइम का इशू है क्या मैं आपको पूरा तीन घंटा एक मेकअप के लिए दूं और तीन घंटे बालों के लिए दूं तो सर वो ज्यादा आपके जितना टाइम था उसी में सभी लोगों ने मेकअप किया ना तो मुकाबला इसी चीज का नाम है कि एक जैसे टाइम में एक जैसे हालात में आप सब ने परफॉर्म किया है तो टाइम तो थोड़ा समय इस वजह से भी होगी कि मॉडल भी चेंज हुआ इस वजह वो तो रोज होगी आपको एक ही मॉडल थोड़ी दी जाएगी तो नंबर पांच आप आगे आ जाएं नंबर तीन आप आगे आ जाएं आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आपकी मॉडल की वजह से आप आप आपको पता है कि आगे भी दो हैं पीछे भी दो हैं हमें दो को एलिमिनेट करना है हाँ हमें दो लोगों को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि आप दोनों जो आगे आए हैं आप दोनों एलिमिनेट होने वाले हैं या आपसे पीछे जो दो खड़े हैं वो एलिमिनेट होने वाले हैं क्या लगता है आपको हम कुछ नहीं कह सकते आप जजेस आप अच्छा फैसला कर सकते हैं ओके सो क्या है कि नंबर आठ और नंबर एक नंबर पांच और नंबर तीन सॉरी दिस इज कॉम्पिटिशन अगर मैं किसी के लिए कुछ ज्यादा वो करूँ तो फेवरेटिज्म हो जाएगा और अगर किसी के साथ ज्यादती होगी तो वो बुरा होगा सो नंबर आठ और नंबर एक आप लोग सेफ हैं और नंबर पांच और नंबर तीन आप लोग घर जाएंगे दुख के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन आप लोगों की कारकर्दगी तीसरे दिन भी हमें अच्छी नहीं लगी इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही ठीक है आपने तो लाइनर लगा के आंखें छोटी बड़ी कर दी है और आपने बहुत फीका कर चुके हैं कोई बात नहीं है मुकाबले में बाज़ूकात ऐसे हो जाता अच्छा मैं ये बात भी क्लियर कर दूं वाजिद कि कोई फरा के कहने पे फरा को नहीं पता था कि वाजिद ने और मैंने क्या डिसीजन लिया हुआ आप हमारे फैसले में थी कि आपने आज एलिमिनेट होना है हमने उनको छोड़ा नहीं हमने सिर्फ उनको थोड़ी सी दो मिनट की सजा इसलिए देनी थी ताकि कल से वो ठीक हो जाए कि मेरे साथ ये होने लगा था मैंने दोबारा वो काम नहीं करना आप पहले से हमारी पर्चियों पे लिखी हुई थी आपने आज एलिमिनेट होना है तो आप ये ना समझें कि हमने उनको फेवर दे दिया और आपको एलिमिनेट कर दिया ठीक है ये ना सोचें आप थैंक यू ठीक है अच्छा जी अब मैं एक रिक्वेस्ट सारी मॉडल से करना चाहूंगी जैसे कि सलमा ने आज कंप्लेंट की है सलमा कहाँ है सलमा और एनी
अगर किसी मॉडल ने कॉपरेट नहीं किया और मॉडल कॉपरेट नहीं करेगी तो जजेस ये भी बता दें कि क्या ब्यूटिशियन उसके बारे में बात कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती, बिल्कुल कंप्लेन कर सकती है। अगर आप मॉडल तंग करती है तो आप कंप्लेन कर दें। ये मॉडल ऑफ द ईयर नहीं हो रहा, ये मेकअप ऑफ द ईयर हो रहा है। सो मेकअप ब्यूटिशियन के लिए है, आपके लिए। अगर आपकी मॉडल आपको तंग करती है तो आप प्लीज उसी वक्त बताएं, बाद में ना बोले कि हमें इनकी वजह से ये हो गया, उनकी वजह से वो हो गया, तो कोई फायदा नहीं। उस वक्त आप निकल चुके होंगे उस राउंड से, तो उस वक्त कोई फायदा नहीं है, उस वक्त कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लाइव शो में आप कंप्लेन करेंगे ये मॉडल मेरी कॉपरेट नहीं कर रही है मेरे साथ। अच्छा, ये जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो कि कल के राउंड में हमारे साथ होंगे, क्योंकि गुजरे हुए कल में मोनिका की एलिमिनेशन हुई। आज हमारे साथ जो है वो किरण भी नहीं है और अस्मा भी नहीं है। सो हमारे पास बाकी जो ब्यूटिशियंस रह गई हैं वो आपके सामने, जिसमें आबिदा है, सलमा है, यहाँ पर मोमिना है और मोमिना के साथ खुजबैदा है और आपकी तो एलिमिनेशन होगी। सो ये तमाम हमारी ब्यूटिशियंस जो कि कल के राउंड में हमें मिलेंगी। मैं बार बार ना मेरा ध्यान इस सर्टिफिकेट की तरफ जा रहा है जो कि हमने इस वक्त उन लोगों को देना है जिनकी एलिमिनेशन हो गई है। थैंक यू सो मच। और आपको सीखना है और ज्यादा, ठीक है, और कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर, तो फिर किसी और स्टेज पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे आपसे मुलाकात होगी, क्या पता उस वक्त नंबर वन आप हो। अच्छा, ये शो खत्म होने से पहले मैं एक बात बोल दूं कि किरण ने अपनी बेस कितनी अच्छी और स्मूथ लगाई हुई है। और किरण फिरोज आप भी आइएगा, आसमा के लिए भी ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। और आसमा, मैं आपके लिए, आप रोते ना बुजदिल लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते, ठीक है, नहीं है, ठीक है, आप काम करती हैं, आप अगर आप रोते हैं तो आप बेचारा बन जाते हैं लोगों के आगे, तो आपको सिंपैथी नहीं बटोरनी, आपको बेस्ट करके दिखाना है, स्ट्रांग बने। आप रोएंगे तो लोग बेचारा समझ के शायद आपको बोलेंगे अच्छा चलो इनको रख लेते हैं, तो स्ट्रांग बने और कोशिश करें बेहतर से बेहतर होने की, ठीक है। इजाजत लेंगे हम जी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाओ धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, विद फरा नई सुबह, एक नई सुबह, विद फरा नई सुबह, अब बातें होंगी तबाकर, सुबह हो बेहतर तो दिन बेहतर, लोज